समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। मुरादाबाद जनपद के अधिवक्ताओं ने समान नागरिक संहिता को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अंजार हुसैन एडवोकेट। सर ये बताइए, समान नागरिकता कानून जो सरकार ला रही है, किस नजरिए से देखते हैं? इस नजरिए से अभी जल्दबाजी है इस लाने में, थोड़ा सा इसको समीक्षा करनी चाहिए और जो विचार विमर्श है, जो सामाजिक लोग हैं, उनकी एक संस्था बनाई जाए और उनमें बातचीत करके, वार्ता करके तब इसको लागू किया जाए। ये जो अभी इसी सत्र में लाने की कोशिश की जा रही है ये गलत है, लेकिन इसका जो है इसके सारे पहलुओं पर गौर करके कहीं अगले सत्र में इसको लाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जो सामाजिक लोग हैं और जो समाज से जुड़े हैं, धार्मिक लोग हैं, उन्हें सबको राय मशवरा करके तब इसको लागू करना चाहिए। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं अचल शर्मा एडवोकेट। अच्छा, जो समान नागरिकता कानून सरकार ला रही है, किस नजरिए से आप देखते हैं? इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारे देश में, समान नागरिक संहिता जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही देश में रहते हुए अलग अलग कानूनों से जो है वो हम गवर्न होते हैं, जो कि गलत है। जब एक ही देश में रहते हैं तो सभी नागरिकों को एक समान कानून के तहत जो है वो उसके अंतर्गत जो है आना चाहिए, और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और जल्द से जल्द ये लागू हो जाना चाहिए, ये इस समय देश की जरूरत है। आपका नाम जानना चाहेंगे? नीरज कुमार पाल। जी सर, जी जो कानून आ रहा है समान नागरिकता, किस नजरिए से आप देखते हैं? ये जो मोदी जी समान नागरिकता कानून ला रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और ये इसे पहले से ही आ जाना चाहिए, क्योंकि इस कानून से ही सब लोग बन जाएंगे और एक समान ही कानून लागू होगा। तो ये जो कानून ला रहे हैं उसके में हम लोग पक्ष हैं, उसके मतलब ठीक है और उसकी हम समर्थन करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम आदित्य कुमार जैन एडवोकेट है, मैं भारत का पूर्व महासचिव और पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। सरकार जो समान नागरिकता कानून यूजीसी का जो प्रचार प्रचार कर रहा है उसको हम अच्छे नजरिए से देखते हैं, हमारे लिए तो हाँ है, क्योंकि उससे पूरे देश के अंदर जैसे 494 है आज, तो वो हिंदुओं के नहीं अलग है, मुसलमानों के नहीं अलग है, मुसलमान बहुविवाह कर सकते हैं, हिंदू नहीं दूसरा विवाह कर सकते हैं, तो कानून में जैसे आईपीटी के अंदर सब धाराओं में समानता दी गई है, वैसे ही पूरे देश में भी हर कानून के लिए समानता होनी चाहिए, इसलिए हम जो भी आदेश आएगा उसके लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इसका सरकार के प्रति हम धन्यवाद भी अर्पित करते हैं, और जिस प्रकार से पूरे देश में एक समान नागरिकता का कानून होना चाहिए, सब नागरिक बराबर होना चाहिए, और अनुच्छेद 21 के अंदर भी ये वर्णन किया गया है कि सभी लोगों को समान अधिकार है, तो समान अधिकार का यहाँ पे हनन हो रहा है, इसलिए ये कानून यूजीसी का आना जरूरी है। सर क्या नाम है? मैं अतुल माथुर एडवोकेट। देखिए हमारा देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान के पहले शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी का मतलब हम यानी नागरिक भारत के एक ही होने चाहिए, एक ही कोड से हम गवर्न हों, एक ही धर्म कानून हमारे लिए हो, अलग अलग कानून ना हो, तो नागरिकों के बेहतरी के लिए कॉमन सिविल कोड बहुत अच्छा है, जो कि एक ही अगर रहेगा तो जो बाइफर्केशन हो गए हमारे धर्मों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, महिलाओं के अधिकारों के हिसाब से, और भी जायदाद में अधिकार हैं, जैसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार डिफरेंट हैं, हिंदी महिलाओं के अधिकार डिफरेंट हैं, कॉमन सिविल कोड आएगा तो वो एक ही अधिकार से गवर्न होंगे, पर्सनल लॉ उस पर लागू नहीं होगा, और एक ही लॉ अगर चालू हो और लोग माने इस बात को, ये हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में कम से कम इससे एक लोकतांत्रिक बहस होनी चाहिए। अभी सभी लोग ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, समझदार हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया से जानकारी हासिल हुई है महिलाओं को विशेषकर महिलाओं को फ़ायदा होगा इससे, और नेचुरली हमारे महिला शक्ति इस वक्त जागृत है, हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादातर कानून महिलाओं के लिए हैं, बेहतरी के लिए हैं इसमें, तो ये बहुत जरूरी है भारत जैसे देश के लिए, जहां हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक यू। मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम रेशमा एडवोकेट, एक्स एडीडीसी हूँ।
जी ये बताइएगा, जो सरकार कानून ला रही है समान नागरिकता, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, इसमें यह है, हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ काफी वर्ष होगा और ये प्रक्रिया लगभग 50 साल से हमारे देश में चल रही है। जो भी सरकारें हम आई, जो प्राइम मिनिस्टर आया, उन्होंने काफी इस विषय पर विचार किया लेकिन लागू नहीं कर पाए, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ एक कानून सिविल कोड लाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि सभी धर्मों के अपने मुस्लिम पर्सनल, जैसे हमारे मुसलमानों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्रिश्चियनों का अलग है, तो ये हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ एक कानून लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज में शरिया कानून भी अपने मजहब, मतलब हमारे समाज में बहुत अहम किरदार रखता है। अगर सिविल कोर्ट लागू हो जाता तो शरिया कानून का पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि खिलाफ, जैसे कि हमारे हिंदुओं में नहीं है बहुत प्रथा, मुस्लिम लोगों में है और उसमें कोई ना कोई कारण है जिस वजह से वो इधर किया। मान लीजिए किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर उसकी वाइफ उससे परमिशन दे देती तो शादी मैरिज कर लेता, सिविल कोर्ट लागू होने के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। और भी बहुत सी परंपराएं प्रथा है जो हम मुस्लिम शरिया कानून के हिसाब से करते हैं, तो मेरे नजर में तो ये बहुत सही रहेगा, जो हमारे शरिया कानून है वो भी लागू हो, प्लस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो भी होते हैं, तो एक जैसे करना है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे इसमें। मैं संजीव राघव एडवोकेट। जी बताइएगा, सरकार समान नागरिकता कानून ला रही है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। और कॉमन सिविल कोड जो, जिसके लिए आजकल चर्चा चल रही है हर तरफ, तो वो इसलिए भी आवश्यक है इस देश के लिए कि क्योंकि जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हुए हैं, इसलिए समान आचार संहिता हो सारे नागरिकों के लिए। कॉमन सिविल कोड इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो अनुच्छेद है संविधान में समानता का अधिकार जो दिया हुआ है, एक समान अधिकार कि जो है हर व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष एक समान है, चाहे वो गरीब है अमीर है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो वंचित है या जो अभी गरीबों की श्रेणी में है या शोषित है, उसके लिए समान आचार संहिता लागू होना, कॉमन सिविल कोड लागू होना बहुत आवश्यक है। जीवन में हम अगर एक सूत्र में बंधे रहना चाहते हैं, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा, तो ये हमारे देश के लिए और हर नागरिक के लिए कॉमन सिविल कोड हो, सब जो है एक ही संविधान से गवर्न हो और संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह लागू हो इस देश में। अब हम तेजी से चूंकि विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसी संभावना भी प्रकट की जाती है कि 1-2 साल में हम उन सभी चीजों को पूरा कर लेंगे जो एक विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो मेरा अपना ये मानना है कि संविधान की भावना और संविधान की आत्मा को यदि समझना है तो कॉमन सिविल कोड लागू करना बहुत आवश्यक है।